आज की वीडियो पूरी देखना क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि ये जो टॉपिक है ये सबके सामने आना बहुत ज्यादा जरूरी है और इंडियन फैमिलीज में खासकर ये दिक्कतें आती ही हैं। तो अगर आप एक इंडियन फैमिली से बिलोंग करते हो तो ये वीडियो पूरी देखना, क्या पता तुम्हारी कुछ हेल्प हो जाए। अब हो क्या रहा है कि हम ये चाहते हैं कि सामने वाला बंदा हमारे हिसाब से चले, उसकी सारी इच्छाएं दबा के हम उस पर अपनी इच्छाएं थोप के उसको अपने हिसाब से चलाएं। अब सामने वाला चाहे रो रहा है, चाहे मर रहा है, नींद नहीं आ रही, मेंटली प्रेशर बढ़ रहा है उसके ऊपर, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको तो बस अपनी इच्छा है उस पे थोप के उसको अपने हिसाब से चला। बहुत तकलीफ होती है। लेकिन ऐसा कब तक चला लोगे भाई, एक दिन तो तुम भी मर ही जाओगे। तुम कोई बहन चो ऐसा तो है नहीं, कोई 50-60 हज़ार साल की उम्र लिखवा के लेके आए हो। अब माँ बाप चाहते कि हमारा बेटा राम जैसा बन जाए, हमारी सारी बातों को माने और हमारे हिसाब से चले। लेकिन उनको ये नहीं पता कि अगर वो राम जैसा बन गया तो तुमको भी दशरथ जैसा बनना पड़ेगा। अगर तुम दशरथ जैसा बनने को तैयार हो तो ही उससे कहो कि तुम राम जैसा बन जाओ। क्या तुम अपने बेटे के वियोग में प्राण छोड़ सकते हो अपने? अब सबको राम जैसा बेटा चाहिए मगर साला कोई दशरथ नहीं बनेगा। सबको भरत लक्ष्मण जैसा भाई तो चाहिए मगर साला कोई राम नहीं बनेगा। बताओ कौन सा भाई ऐसा है आज के टाइम में जो अपने छोटे भाइयों के लिए सारी प्रॉपर्टी छोड़ दे, है कोई? और ऐसा कौन सा बाप है आज के टाइम में जो अपनी बेटे के कहीं बाहर जाने के वियोग में प्राण त्याग दे अपने? सबके सब यहाँ पे सेल्फिश है भाई, किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं है, चाहे बड़ा भाई है, चाहे बाप है, चाहे मामा है, चाचा है, फूफा है, कोई है, किसी को किसी से लेना देना नहीं है। सबको पैसे से प्यार है और अपने उससे प्यार है कि भाई हमारा कोटा कैसे पूरा हो, इसको कैसे यूज करें सामने वाले को कि ये इससे पैसे वैसे ऐंठ ले हम। अब पेरेंट्स है वो जबरदस्ती तुमसे करते हैं कि तू एक नौकरी पकड़ ले, स्टेबल हो जा लाइफ में, एक नौकरी पकड़ ले और 50-60 हज़ार तेरे महीने के आते रहेंगे और तू आराम से बैठ के पूरी जिंदगी खाएगा। वो तुम्हारा फ्यूचर थोड़ी देख रहे हैं उसमें, वो अपना फ्यूचर देख रहे हैं कि बुढ़ापे में हमको खाना तो मिल जाएगा एटलीस्ट। उनको तुम्हारे उससे कुछ नहीं पड़ा, तुम पूरी जिंदगी कुछ ऐसी तैसी कर रही हो फिर अपनी। उनको चाहिए कि उनके लिए एक पैकेज, महीने का 30-40 हज़ार तुम कमाओ और उनको 2 वक्त का खाना दे दो। वो बुढ़ापे में ये सोचते हैं भाई, सीधी बात, ठीक है? और ये होता है अक्सर, 90% केसेस में ऐसा ही होता है। कोई माँ बाप अपने बच्चे को इनकरेज नहीं करता कि जा बेटा तू बिजनेस कर, तू ये कर, तू वो कर, बढ़िया काम कर, थोड़ा डिफरेंट काम कर ताकि नाम बने। सबकी एक घिसी पिटी सोच है, जाओ एक नौकरी पकड़ो 30-40 हज़ार की, बैठो और जब तुम्हें एक्सपीरियंस होने लग जाएगा तुम्हारे पैसे बढ़ने लग जाएंगे और वहीं अपनी ऐसी तैसी करा के वहीं मर के निकल लो यहाँ से, ये सोचते हैं सब। कोई किसी का फ्यूचर सेटल नहीं करना चाहता, साला टांग खींच खींच के नीचे लाना चाहते हैं, कोई किसी का नहीं है। तो अपने बारे में सोचो, अपने बारे में सेल्फिश बनो आज, दूसरों के बारे में कम सोचो। सामने वाला क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा कोई मतलब नहीं होना चाहिए, अपने आप से रखो जो मतलब रखना है। क्योंकि इस दुनिया में अगर तुम अपने आप से प्यार नहीं कर सकते तो तुम किसी से प्यार नहीं कर सकते, अपने बारे में नहीं सोच सकते तो किसी के बारे में नहीं सोच सकते। ये साले सब टेम्परेरी हैं, ना तो ये तुम्हारे साथ जाने वाले ना तुम्हारे साथ आए थे, तुम अकेले हो, अकेले ही रहो। और इन दी लास्ट में यही कहूँगा कि भाई अपने बारे में सोचो, तुम अकेले ही आए थे, अकेले ही जाओगे, कोई तुम्हारे साथ नहीं खड़ा। और ऐसे तुम्हारी जिंदगी में बहुत सारे पॉइंट आएंगे जब तुम्हें अकेले ही खड़ा रह के अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा कि मैं सही हूँ। तो सब चीज़ के बारे में छोड़ो और अपनी लाइफ को एक सही ट्रैक पर ले जाओ। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।